वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलम, आप सबका तहे दिल से मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो हैदराबाद का बहुत ही फेमस रेसिपी है। हलीम की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। हैदराबाद में हैदराबादी बिरयानी के अलावा अगर कोई फेमस है तो वो है हलीम। रमजानों का शान है यहाँ पे, हर रमजान में हलीम तो मस्ट होता ही होता है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, हलीम के लिए ये सारे दाल और हलीम का रवा मैंने ले लिया है। ये बिरी दाल है, ये हरड़ दाल है, ये मसूर की दाल है, ये चने की दाल है और ये मूंग दाल है। और ये हलीम की रवा इसे बोलते हैं, गेहूं जो होता है गेहूं से रवा ये बनता है, ये हलीम का रवा है। इन सारे चीज़ों को हम भिगा लेंगे 5 घंटे के लिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं हम। हलीम के लिए मैंने 1 kg चिकन ले लिया है, उसमें दही डाल रही हूँ 7 to 8 स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून, और काजू और आलमंड मैंने पीस के ले लिया है उसे मैं डाल रही हूँ। काजू आलमंड का पेस्ट ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालने वरना स्किप भी कर सकते हैं। चिली पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, हल्दी पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, जीरा धनिया पाउडर वो भी 1 टेबल स्पून ले ली हूँ, और सॉल्ट टू टेस्ट डाले 1 टेबल स्पून मैंने लिया है, और एक गरम मसाला मैंने बनाया था, दालचीनी लौंग छोटा इलायची शाहजीरा बड़ा इलायची का, वो पाउडर मैंने कर लिया है, उसका हाफ डाल रही हूँ और हाफ बचा के रख रही हूँ बाद में डालने। और यहाँ पर धनिया और पुदीना पत्ता मैंने हाफ डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला दे रही हूँ। और इसमें कच्चे प्याज 1 डाल रही हूँ, ऑयल डाल रही हूँ। चिकन को मसालों में अच्छे से मिला के 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। देखिए, हमारे दाल भी भीग चुके हैं। इन दालों में मैंने 2 टेबलस्पून बासमती राइस भी डाली थी, वो भी भीग चुका है इनके साथ ही। अब मैं एक कुकर ले रही हूँ, सारे दालों को इसमें डाल लेती हूँ, सारे दाल और हलीम रवा को मैं इसमें डाल लेती हूँ। अब इसमें हम नमक डाल लेते हैं, 2 टेस्ट सॉल्ट डालें, ये 5 कच्ची मिर्च वो डाल देते हैं, अखा गोल मिर्ची जो बोलते हैं पेपर वो मैं डाल रही हूँ, और हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ, और पानी डाल रही हूँ सफिशेंटली। अच्छे से पानी दे दें और 2 सीटी आने तक इसे सीटी लगा, दालों को अच्छे से मिला लें, 2 सीटी लगा लें और 15 मिनट के लिए सीम में रख दें। यहाँ पे मैं प्याज फ्राई कर ले रही हूँ, अच्छा गोल्डन रेड कलर करना है हमें। और एक पैन ले लिया है, उसमें ऑयल डाल के खड़े गरम मसाले मैंने डाल दिया है, दालचीनी बड़ा इलायची छोटा इलायची डाल के जो मैरिनेट करके रखा था चिकन उसे डाल दे रही हूँ, और यहाँ पे वो जो प्याज बुरुन बनाया था रेड किया था प्याज को वो डाल के अच्छे से इसे पका लें। और इसमें मैं अभी चिकन मसाला 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून डाल के चिकन को अच्छे से पका लें। देखिए, चिकन पक चुका है, पकने के बाद जो ऑयल छोड़ता है वो ऑयल मैं कलेक्ट कर रही हूँ। मिल गया है गार्निशिंग के लिए। चिकन पकने के बाद चिकन को मसालों से अलग कर लें, मैं वही कर रही हूँ, चिकन के पीसेस को मसालों से निकाल रही हूँ एक एक करके। इसमें सारे मसाले रह गए हैं और सारे चिकन पीसेस को हमने यहाँ पे निकाल दिया है। अब इसके थोड़ा ठंडे होने के बाद फिर अब चिकन पीसेस को बोन से अलग कर देंगे, अलग करके हम फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। देखिए, हमारा दलिया भी बन चुका है, सारा दलिया और रवा जो था वो भी पूरा अच्छे से पक चुका है, पहले से भिगा के। अब अगर इसे ऐसे ही बना लेते हैं कुकर में, कि आप कुकर में बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा, 2 सीटी लगा के उसे स्लो फ्लेम में 15 से 20 मिनट तक रख दीजिए, हो जाएगा। और पानी सफिशेंट दीजिएगा, पानी अगर नहीं देंगे तो नीचे लगने का बहुत चांसेस रहता है। बना लेते हैं कुकर में, तो आपको ग्राइंडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हंडी में बनाएंगे तो आपको ग्राइंडर करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, हमारा मसाला भी यहाँ तैयार है, सारे चिकन को मैंने निकाल लिया था, सिर्फ मसाला यहाँ पे है। अब ये जो बनाया है दलिया दाल का मिक्सचर, इसमें डाल देते हैं। ये दाल को डालने के बाद हमने ये श्रेडेड चिकन रखा था, जो चिकन को बोन से निकाल के हमने रखा था वो डाल लेते हैं इसमें। ये जो मैंने सारे स्पाइसेस को मिक्स करके ग्राइंडर में पीस के रखा था वो भी डाल लेते हैं इसमें। पुदीना धनिया पत्ता छोटा छोटा कट करके रख दिया था वो भी इसमें डाल देते हैं। आपके पास ये दाल घोलने का ये लकड़ी का होगा तो आप इससे भी ऐसे मार लें तो अच्छा बन जाता है। ऑलमोस्ट तो सब पक चुका है, बस अब हमें एक दूसरे से सब दाल और चिकन मसाले सबको एक साथ मिलाना है, बस यही प्रोसेस ही करना है। इसके मदद से आप ऐसे ऐसे मिलाते रहें, हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे भी मिला सकते हैं, इसको बस ऐसे ऐसे चलाते रहें। इसमें थोड़ा मेहनत लगता है, प्रोसेस भी थोड़ा होता है,
लेकिन खाने में बहुत मजे के लगते हैं हलीम। कि इसमें अब हम गावा घी डालते हैं। गावा घी डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हलीम का गावा घी जरूर डालें। मैंने डाल दिया है, अब इसे अच्छे से मिला भी रही हूँ। ये हमारा हलीम भी पूरी तरीके से बन चुका है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ऐसे मिला मिला के मैंने बनाया है। देखिए ये ऐसे गिरने तक इसको ऐसे पकाते रहिए। देखिए कैसे ये गिर रहा है हलीम। इससे लास्ट प्रोसेस ही है। अब हम इसमें दो नींबू डाल देंगे, नींबू का रस दो डाल देंगे। रस डाल के इसे अच्छे से मिला लें। पूरा नींबू का रस भी इसमें मिल चुका है। ये जो ऑयल रखे थे वो इसमें से डाल लेते हैं, ऊपर से गार्निशिंग में काम आता है ये ऑयल जो रखे थे हमने। प्याज रेड करके रखा था वो डाल दें। ये काजू डाल दें, काजू थोड़ा डाल दें। हमारा हलीम पूरी तरीके से बनके तैयार है, बहुत ही यमी दिख रहा है। हलीम पूरी तरीके से तैयार है, बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहा है। आपसे बॉयल अंडे के साथ और थोड़े से काजू फ्राई के साथ मैंने डेकोरेट किया है, बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहा है। आज का हाँ मेरा हलीम प्रिपरेशन तो हो चुका है। आप घर पे जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कैसा बना है। काश मैं आप लोगों को खिला सकती लेकिन वो तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन आप जरूर इस प्रोसेस पे हलीम बनाइएगा घर पे। अगर आपको आज का मेरा हलीम रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे। तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।